हाय फ्रेंड्स, मैं जितेश मेसावत नागपुर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो फीमेल है गोल्डन रिट्रीवर, आप देख ही सकते हो प्रेसी, तो इसका जो डिलीवरी था वो मैंने खुद घर पे किया है। आप भी करवा सकते हो, जैसे मैंने bholashola.com जो रहता है उस वहाँ से यूट्यूब पे जाके वहाँ से वीडियो देख के मैंने डिलीवरी खुद कराई है, तो आप भी ऐसे करा सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पपी भी देख सकते हो, सब हेल्दी पपी है। हाय फ्रेंड्स, ये मेरे तीन फ्रेंड आए हैं काफ़ी दूर से। सर आप बताइए, क्या नाम पहले आपका? जी मेरा नाम अंश। अंश सर, एंड ये डॉक्टर साहब हैं, राइट? हाँ जी, डॉक्टर पन्नू। डॉक्टर पन्नू सर कितों? मैं गुरदासपुर तो जी, बहुत सुनिया सीगा, अज गरेवाल साहब ना मुलाकात हो रही है। शायद तुम ना जानते हो कि गरेवाल साहब ने ਇਹ ਓਨਰ ਨੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਪੈਟ ਸ਼ੋਪ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਹ ਭਾਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ छोटा जा बच्चा ले राम कर रहे हैं अपनी गुड़ी वाली गिफ्ट। हाँ जी पाजी, नाम दसो। फ्रेंड्स, मेरा नाम कंवर सेखों है और मैं रैया से आया हूँ, और मैं सर गरेवाल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ सर का, और सर ने जो सजेस्ट किया है मैंने वही लिया, और बड़ा मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है सर से बातें करके भी यहाँ पे। और बाकी मेरे ये कज़न ब्रदर हैं डॉक्टर फन्नू, तो ये भी साथ आए, इनको भी मैंने पेट लेके देना है, तो मैंने इनको यही बोला कि मैं आपको गरेवाल सर के पास लेके जाऊँगा, वही आपको बेस्ट सुजेशन कर सकते हैं कि आप कौन सा पेट घर में रख सकते हो, कौन सा नहीं रख सकते। मैं आपको भी फ्रेंड्स यही सुजेशन दूंगा कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में बैठे हो तो आप सर के पास आओ, सर से आप फ़ोन पे डायरेक्ट अपने संपर्क करो, और सर से जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो क्लियर कीजिए, और सर से जो भी आपको सुजेस्ट करें तो वो आप अपने घर पे पेट रखिए, क्योंकि पेट रखने से घर में एक आपका माइंड इतना फ्रेश होता है। और मेरी भी डॉल है छोटी सी 2 साल की, तो वो भी पेट के साथ इतना। क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया का नाम गुनाज कौर सेखों है, और वो जैसे मैं डॉग लवर हूँ तो नेचुरली मेरी बेटी भी जो है वो भी बहुत बड़ी डॉग लवर है, वो बहुत खेलती है डॉग्स के साथ, तो उसी के लिए मैं गिफ्ट लेके जा रहा हूँ। और इन्होंने जर्मन शेफर्ड क्यों पसंद किया? आपके फादर साहब भी वही पे? मेरे फादर साहब टीचर थे, तो मेरे फादर साहब जर्मन शेफर्ड रखते थे, सॉरी उनकी डेथ हो गई 2006 में, तो मेरे फादर साहब उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड थे, लीजा और एडी, 2 हमारे पास मेल और फीमेल थे। मेरे फादर साहब के चले जाने के बाद वो भी चले गए, और अभी वो मुझे कई बार सपनों में आके बोलते हैं कि बेटा तू ये जर्मन शेफर्ड ही रख, तो मैं अपने फादर साहब के लिए और अपनी बेटी के लिए आज स्पेशल सर को मैंने कॉल की, और मैं जर्मन शेफर्ड लेने सर के पास आया। सर की बातों में से बात निकली है, मेरे फादर ने लाया जो वो बिजली बोर्ड में थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे,
उनकी सैलरी मेरे ख्याल से 60 के करीब थी, लेकिन 30,000 उनका आवारा कुत्तों के लिए जाता था। घर में उन्होंने दूध ब्रेड वो ख़त्म नहीं होने दिए कभी, इसलिए वाइफ मेरी जो उसको कुत्ते बहुत पसंद आया था, और आगे बच्चे मेरे आ गया। मेरे में इतना शौक नहीं है, मेरे में जाकर उनको मैं फाइनेंशियल मदद कर दूँ, जैसे कोई आवारा कुत्ता आ गया, मेरे पास एक आवारा कुत्ता है उसको खाना पीना देते हैं, वो इतना लग रहा है जैसे हमने खुद पेट रखा हो। लेकिन फादर इन ला थे मेरे, एक बार मुझे वाकया याद रहा, मेरे पास आए तो शाम को खाने पीने बैठ गए, वो चिकन के शौकीन थे, मैं चिकन नहीं खाता, चिकन उनके लिए मंगाया मैंने 1/2 किलो, उन्होंने एक पीस खाया, बाकी आवारा कुत्तों को बुला के वहीं पर खिला दिया। इतना प्यार होता है देखो इन जानवर के लिए, और ये जानवर भी आगे से वो रिटर्न में आपको देते हैं। बिल्कुल देते हैं। एक मुझे ट्रुथ इंसिडेंट याद है, मेरे मासी जी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके गांव में करतार कौर नाम की एक महिला थी, उसकी डेथ हो गई। तो वो क्या करती थी कि उसके पास एक काली बिल्ली थी और एक काला कुत्ता था उसके पास। वो उसको, ये ट्रुथ इंसिडेंट है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। मेरे मासी जी काफ़ी एज्ड हैं, तो वो अमृत छका हुआ उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब उसको लेने आए, लेके पता नहीं गए, उन्होंने बताया तो उस गांव में करतार सिंह नाम का आदमी भी था, जाना करतार सिंह ने था, ले वो करतार कौर को गए, और जब उसको होश आया, क्योंकि उसकी टर्न तो अभी आई नहीं थी, जब उसको होश आया तो वो उठी, तो उसने बताया कि मेरे साथ साथ काला कुत्ता और काली बिल्ली गई, क्योंकि मैं इनको डेली खाना खिलाती थी। तो माई फ्रेंड्स, आपके घर में अगर पेट हो तो खूब सारी उनकी सेवा करें आप, क्योंकि इनकी सेवा करने से आपका जीवन सफल हो जाता है। आपकी भलाई वो ले लेते हैं, आपके घर पे जो बुराई आने वाली है वो अपने सर पे ले लेते हैं, और आपको हमेशा फाइनेंशियली तौर पे भी ईच एंड एवरी सिचुएशन पे लाइए कि आपका ये साथ देते हैं और आप स्ट्रांग बनते हो। और एक इनसे मैं मिलाना चाहता हूँ, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इनके अभी इन्होंने मेरे को क्या बताया कि घर में अभी भी इनके पापा इनको टॉन्ट मारते हैं कि डॉग को छोड़ा, इनके पास लेब्रा है, राइट? कितनी एज है लेब्रे की? 2.5 साल। 2.5। तो पापा क्या बोलते हैं अभी, वो डॉग लवर क्यों नहीं है? वैसे ही डॉग लवर नहीं, शुरू से उनको डॉग नहीं अच्छे लगते। क्यों? वैसे ही नहीं अच्छे लगते। तो अभी भी इनके, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती से रख छोड़ा है। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।